सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गुजरात की बीजेपी सरकार को फटकार, बिल्किस गैंगरेप का पूरा सच क्या है? ये तस्वीरें देखिए, ये वो 11 दोषी हैं जिन्होंने बिल्किस बानो का गैंगरेप किया था गुजरात दंगों के समय में, और उसके बाद उनकी 3 साल की बच्ची और माँ का भी रेप किया और उसके बाद उसके परिवार वालों की हत्या कर दी। गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को रिहा करवा दिया था 2022 में, उसके बाद इनको माला पहनाई गई, इनका स्वागत किया गया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है, उनका फैसला पलट दिया है और ये बोला है कि 2 हफ्तों में इन दोषियों को वापस जेल में बंद करो। और अब आप देखिए कि बिल्किस गैंगरेप का पूरा सच क्या है और अब कैसे विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ एक नया मुद्दा मिल गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओवैसी, यहां तक कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि बीजेपी कैसे आरोपियों का साथ देती है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि गुजरात की बीजेपी सरकार पर क्यों गुस्सा हुआ सुप्रीम कोर्ट, आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। दूसरा, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की कैसे जीत हुई और कैसे अब मोदी सरकार की क्लास लगाई जा रही है विपक्ष के द्वारा। बिल्किस के साथ क्या क्या हुआ था, आखिर ये पूरा केस क्या था और अब तक क्या हुआ है उसमें, अब क्या करेंगे ये 11 आरोपी, और पांचवा, किस जज और वकील ने दिलाया बिल्किस बानो को इंसाफ। सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि गुजरात की बीजेपी सरकार पर क्यों गुस्सा हुआ सुप्रीम कोर्ट, फटकार लगाते हुए क्या क्या कहा और कैसे कहा कि आपने गलत तथ्यों के आधार पर आरोपियों की रिहाई करवाई, आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ। गुजरात की बीजेपी सरकार ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को रिहाई का आदेश देकर सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये लोग गैंगरेप और 7 हत्याओं के आरोपी थे। साल 2008 में इन लोगों को सीबीआई ने उम्र कैद की सजा दिलवाई थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई थी, और 14 साल के बाद गुजरात सरकार ने इनको 2022 में रिहा करवा दिया। 15 अगस्त को माला पहनाकर इन लोगों का स्वागत किया गया। इसके बाद जमकर विरोध हुआ बीजेपी सरकार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 यानी आज के दिन ये कहा कि दोषियों की रिहाई के समय तथ्यों को छुपाया था। इस मामले में सजा माफ करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था, लेकिन रिहाई का आदेश गुजरात सरकार ने दे दिया, यानी गुजरात सरकार ने जबरदस्ती अधिकार हड़प लिया। गलत तथ्यों को पेश करके एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सजा माफी पर विचार करने को कहा था। वह एक तरीके का फ्रॉड था जो एक दोषी ने अदालत के साथ किया था। दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया जबकि उनके पास ये अधिकार था ही नहीं। गुजरात सरकार का दोषियों को लेकर रवैया विवादित था। यही वजह थी कि इस केस के ट्रायल को ही राज्य से बाहर ट्रांसफर करना पड़ा था। दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर अब सरेंडर करना होगा, यानी वापस जेल जाना होगा। मई 2022 में अदालत ने गलत ढंग से फैसला लिया गया, हम उस आदेश को खारिज करते हैं। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का बिल्किस बानो केस में। अब दूसरा देखिए, इंडिया गठबंधन और विपक्ष को, स्पेशली कांग्रेस को, अब मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है 2024 के लिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओवैसी, सबकी मैं आपको बाइट सुनाती हूँ और देखिए कि इस केस में वो क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए राहुल गांधी का, चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। अब देखिए प्रियंका गांधी का ट्वीट, न्याय की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप के शिकार बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हो गया है। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई। और अब आप ओवैसी की बाइट भी सुन लीजिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही खराब माहौल था, तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे।
बिलकिस बानो से माफी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिलकिस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि मोदी जी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर महिलाओं की इज्जत के लिए लंबे लंबे भाषण देते हैं और उन्हीं के गढ़ यानी गुजरात में उन्हीं की बीजेपी सरकार गैंगरेप के आरोपियों का साथ दे रही है, उनको रिहा करवा रही है, मालाओं के साथ आरोपियों का स्वागत हो रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है बीजेपी सरकार को। ऐसे ही न जाने भाजपा पूरे देश में कितने गलत काम कर रही होगी। देखा जाए तो विपक्ष को अब 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है मोदी सरकार के खिलाफ। अब इंडिया गठबंधन वाले लोग इसे बढ़ चढ़कर हर रैली में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है और उनका फैसला पलट दिया है। आपको यह भी बता दूं कि पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस को सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बिल्किस बानो को 2 हफ्ते में 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया था। इससे पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन बिल्किस ने कहा कि उसे अब तक कुछ नहीं मिला है। तीसरा है कि 2002 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतने सालों तक, 22 साल हो गए हैं जो बिल्किस बानो केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में आज वापस से वो लड़ाई ताजा हुई। तो आखिर उस दिन 2002 में गुजरात दंगों के वक्त क्या क्या हुआ था, आप इस छोटी सी कहानी से सब जान लीजिए। 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में मुसलमानों ने मिलकर आग लगा दी थी। ये घटना गुजरात के गोधरा के पास हुई थी। 2002 के गुजरात दंगों के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी 3 साल की बेटी सालेहा और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती भी थी, यानी प्रेग्नेंट थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहौद और आसपास के इलाकों में कई घरों को जला डाला था। 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार पर 12 लोगों समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला किया। गर्भवती बिल्किस का रेप किया गया, गैंग रेप किया, फिर बिल्किस के सामने उनकी मां का रेप हुआ और फिर 3 साल की छोटी बच्ची का गैंग रेप हुआ। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। बिल्किस जैसे तैसे बच गई, लेकिन बिल्किस के परिवार के 7 लोगों को उन्हीं के सामने मार दिया गया। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया, इसके बाद वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। बिल्किस ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने और इंसाफ न मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कराने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। मुंबई में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर मुहर लगाई। सीबीआई ने कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया था। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इस मामले में सभी दोषी 15 साल से अधिक की सजा काट चुके थे। इस आधार पर इनमें से एक राधेश्याम शाह जो आरोपी था, उसने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। दोषियों की रिहाई के बाद गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने बताया था कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रवृत्ति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया और दोषियों को 2022 में रिहा कर दिया गया। रिहाई के विरोध में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फैसले में रिहाई को गलत बताया गया 2024 में, यानी आज के दिन, और अब आरोपी वापस जेल जाएंगे। चौथा है कि अब इन 11 दोषियों के पास क्या क्या विकल्प है, और सबसे पहले तो 2 हफ्ते में इनको जेल पहुंचना होगा और इसके बाद अब जो इनको बचाने वाले हैं उनके पास क्या क्या विकल्प है ये देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब महाराष्ट्र सरकार के पास रिहाई के लिए आवेदन करना होगा। यदि महाराष्ट्र में ऐसा नियम होगा कि 14 साल की सजा के बाद दोषियों को रिहा किया जा सकता है, तो राज्य सरकार इस संबंध में फैसला ले सकती है। यदि ऐसा कोई समय पूर्व रिहाई का कानून नहीं होता है, तो इस आवेदन का मतलब नहीं बनता है। यदि 20 से 25 साल की सजा काटने के बाद भी रिहाई का कानून है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तीखी टिप्पणियां की है, उसके बाद तुरंत रिहाई तो संभव नहीं है। अब ये सारे के सारे आरोपी जेल में ही सड़ेंगे।
पांचवा ये भी जान लेना जरूरी है कि वो वकील कौन है जिन्होंने बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाया, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें जज कौन कौन थे जिन्होंने इंसाफ दिलाया है। बिल्किस बानो केस में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील रखने वाली सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार का फैसला गैर कानूनी था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। वृंदा ग्रोवर इस मामले में शुरुआत से ही मुखर रही हैं। इससे पहले भी वो कई ऐतिहासिक मामलों में अदालत के सामने दलीलें रख चुकी हैं। वृंदा को देश की सीनियर वकील के तौर पर जाना जाता है। वो 1989 से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य ट्रायल कोर्ट में वकालत कर रही हैं। वो आपराधिक कानून, महिलाओं के अधिकारों और मानव अधिकारों से जुड़े मामले की जानकार हैं। 2013 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। बिल्किस बानो के गुनाहगारों को दोबारा जेल भेजने का फैसला देने वाली बेंच के जज थे जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया। जस्टिस नागरत्ना में आपको बता दूं 2027 में CJI बनने वाली हैं, अभी CJI चंद्रचूर हैं और 2027 में जस्टिस नागरत्ना बन जाएंगी। पिछले कई सालों से विपक्ष बिल्किस बानो गैंगरेप और गुजरात दंगों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और ज्यादा हमलावर हो गया है। अब ये 2024 का मुद्दा भी बन सकता है, लेकिन बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। अभी आपको याद होगा कि कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता जिसकी सेक्स CD रिलीज हुई है, बीजेपी उस पर पुरजोर प्रहार कर रही है कि कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पता था और उन्हीं के अंदर ये जो कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता था वो कैसे बच्चियों के साथ रेप करता था। और देखिए अभी दोनों की राजनीति है 2024 में एक दूसरे पर आरोप लगाकर, एक दूसरे को गलत साबित कर कौन जीत पाएगा कौन नहीं जीत पाएगा। आप News 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।